गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम लोग इस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। जैसा कि बार बार हम लोग बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट लॉ के हों, चाहे वो पोलिटिकल साइंस से पढ़ाई कर रहे हों, पब्लिक एड पढ़ रहे हों, या सिविल सर्विस एस्पिरेंट हों, या एडवोकेट्स हों, प्रोफेसर हों, टीजी पीजी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी देना, कुछ भी करना हो, यानी कोई कॉम्पिटिशन उनको देना है, जुडिशरी हो, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मस्ट है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन जान जाते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो एक आपका फाउंडेशन बन जाता है। और वह फाउंडेशन आपको क्या मदद करता है, जो और भी आपको प्रिपरेशन करना है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या एरिया है, क्या वो कहता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसकी फिलॉसफी है। तो धीरे धीरे करके हम इसको पढ़ रहे हैं और आगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग पिछले क्लासों में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उसको हम पढ़ चुके हैं, और इस समय हम पार्ट थ्री पढ़ रहे हैं। और पार्ट थ्री में भी हम लोग आर्टिकल 13 पढ़ चुके हैं। तो जो कंपटीशन में जैसा सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस पार्ट में है, तो इसका क्या आंसर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल राइट्स है यह कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट थ्री में है। और फंडामेंटल राइट्स से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वे कहाँ से कहाँ तक हैं, वे 12 से लेकर के 35 तक है। यानी जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है ये किससे रिलेटेड आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और जो टोटल राइट है, फंडामेंटल राइट पूछा जाता है कितने हैं, कितने राइट हैं, तो फंडामेंटल राइट्स इस समय कितने हैं, कितने राइट है फंडामेंटल राइट्स इस समय, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता का। समानता अधिकार मतलब समानों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। जैसे जितने प्रोफेसर हैं उनका ग्रेड पे का एक है, जितनी फैसिलिटीज है उनकी सेम है, जो प्यून है उनकी ग्रेड सेम है, चाहे जहां उनकी पोस्टिंग हो, यानी समान के बीच जिसकी योग्यता समान है वो पोस्ट समान है, उनका समान व्यवहार, समान पे स्केल, समान चीजें होंगी। तो समान के साथ यानी जो प्रोफेसर हैं उनका, यानी सबके साथ समान जितने भी प्रोफेसर हैं, और प्यून यानी जो उनके, चूंकि असमानता का है, अब वो नौकरी दोनों कर रहे हैं, एक क्या है, एक प्रोफेसर है और दूसरा क्या है, प्यून है। तो प्रोफेसर कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया होगा, उसका जो स्केल होगा, ग्रेड होगा, एलिजिबिलिटी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस सब सेम होगा, प्यून का होगा वहां पे सेम होगा। अब दोनों में तो डिसिमिलिटी है, नो डाउट, लेकिन समानता का क्या मतलब है कि समानों के बीच, यानी प्रोफेसर प्रोफेसर और प्यून, यानी समानों के बीच समान व्यवहार, ये क्या है, समानता है। ये समान है इनका, समान है इनके साथ, ये समान है, ये समान है। अब असमानता यानी समानों के बीच समानता, यही अधिकार है, समान अधिकार मतलब समान चीज लोगों के बीच समान व्यवहार किया जाएगा, समान चीज जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलनी है वो समान, उसके तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि एक जगह प्रोफेसर कुछ और रहेगा, दूसरे प्रोफेसर और रहेगा, मोस्टली यही रहेगा। तो समानता का जो अधिकार है वह, ये मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ कि समानता कैसे आप समझेंगे। तो समानता का मतलब होता सबके बीच समान अधिकार, सबके बीच मतलब जो प्यून का कंडीशन है, प्रोफेसर कंडीशन दोनों बराबर तो नहीं है, इसलिए दोनों में तो डिसिमिलिटीज है, लेकिन डिसिमिलिटीज होते हुए भी समानता है। क्यों, क्योंकि प्रोफेसर प्रोफेसर के बीच में समान है, प्यून प्यून के बीच में समान है।
तो समानता क्या है, चीजें हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। जैसे इसकी इसकी समानता इसमें नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए असमान है, लेकिन असमानों के बीच असमान ये भी असमान है। तो जो असमान है डिसेबिलिटीज है, वो दोनों के बीच समानता है। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के बीच, मतलब जो समानता इसमें नहीं है, समानता नहीं है लेकिन इसके बीच में समानता है, तो उसका समान व्यवहार होगा, ये समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में है, कहां पे है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 में, चूंकि राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14 to 18, यह राइट टू इक्वालिटी है, समानता का जो अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट में, वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में दिया गया है। आज हम किसका स्टडी कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का पढ़ रहे हैं, तो अभी इस समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक बीच में। अब आर्टिकल 14 में पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल 14 क्या करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब समान होंगे, ये क्या बोलता है आर्टिकल 14, लॉ के सामने सब समान है, यानी विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सारे लोग एक समान हैं। अभी क्या है इसका डेफिनेशन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, मतलब विधियों का समान संरक्षण। तो पहले क्या बात करता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या पहले कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, जज हो, प्रधानमंत्री हो, प्यून हो, सामान्य नागरिक हो, राजा रंग जो भी है, सब जो भारत के नागरिक है सब में समान है, यानी कानून सबके लिए समान है। और फिर आगे क्या करता है, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब होता है, विधियों का समान संरक्षण मतलब जो भी कानून होगा उस एक कानून को दूसरे कानून में डिफरेंशिएशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे इन्वायरमेंटल लॉ है, CPC है, जो भी लॉज है जिसके लिए बने हुए, तो ऐसा नहीं है कि एक कानून से दूसरे कानून डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, कि एक कानून को कम वेटेज दिया जाएगा दूसरे को ज्यादा दिया जाएगा। यानी जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या देखता है, उसे देखने का तरीका क्या है, वो इसी कारण देखते होंगे, कानून जो होता है, कानून की आंख में देखते होंगे, एक लेडीज होती है उनकी आंख में पट्टी बंधी होती है, उसका क्या मतलब होता है, न्याय की देवी, उसका मतलब होता है कि वो क्या होती है, कानून क्या होता है, अंधा, यानी कहने का मतलब वो अपने तर्क के द्वारा, जो आपके अंदर तर्क शक्ति है, जो आपके सामने एविडेंस है, जो आपके सामने तर्क वितर्क है, डिस्कस, उसके आधार पर वहाँ डिसीजन होता है। तो लॉ का क्या काम है, क्या है हुआ कि विधि का समान संरक्षण, पहले था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब लोग, जितने भी नागरिक है, जो भी चीजें है, जितने सिटीजन है, सब बराबर है, कानून के सामने सब लोग बराबर है। दूसरा क्या है, विधियों का समान संरक्षण, यानी जितने भी कानून भारत में है उसको समान रूप से अधिकार दिया गया है, एक विधि को, एक लॉ को दूसरे लॉ से ऊपर या नीचे नहीं माना गया है, बराबर बेटे दिया गया, यानी एक लॉ को दूसरे लॉ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों जो राइट है वो हमको कहां मिले हुए हैं, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आज ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आर्टिकल 14 क्या है। ऐसे ही आर्टिकल वाइज करके हम लोग पढ़ाई करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो जाने वो सही जाने, ऑथेंटिक जानकारी आपके पास हो, क्योंकि जब तक आप सही चीज़ जानेंगे नहीं तब तक आप उसको, यानी जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है उसको कवर नहीं कर पाएगा। स्टेट ऑफ माइंड में जब एक बार आपकी जो चीज़ें आती हैं तो ही आपका उसका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट जो है तभी डेवलप होता है जब आपको कोई चीज़ समझ में आती है, और समझ में कब आती है, जब आप उसको बाइफरकेट करके अच्छे तरह से समझें
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, भारत की सर्वोच्च विधि है, सबसे बड़ा कानून, यानी जितने कानून है सब उसके नीचे हैं, सबसे बड़ा कानून क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट थ्री में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में कहां से कहां तक इसकी स्टडी होती है, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। अब उसमें जो फर्स्ट राइट है वो क्या, राइट टू इक्वालिटी है। अब राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, वो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। यानी जो पांच आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित है, 14, 15, 16, 17, 18, ये पांच आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। अब इसमें जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अब उसका जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या शामिल किया गया कि जो द स्टेट है, यहाँ स्टेट का मतलब आपको समझा दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ स्टेट का मतलब इंडिया है। यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, इंडिया। यहाँ स्टेट का मतलब इंडिया, कहने का मतलब यहाँ है कि जो इंडिया है, जो भारत है, जो भारत सरकार है, ये क्या करेगा, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी हर व्यक्ति उसके निगाह में समान होगा, समान तरीके से उससे व्यवहार किया जाएगा, कानून के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा और विधियों का समान संरक्षण, यानी जो लॉज हैं उनमें आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एक को ज़्यादा वेटेज, एक कम वेटेज, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जल्दी ऐसे ऐसे करके हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस, और उसके बाद करंट अफेयर्स, श्रीमद्भागवत कथा, भागवत और श्री राम कथा, ऐसे करके टोटल हम लोग ये आर्टिकल वाइज, चौपाई, जितना भी हम चाहते हैं ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले, और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग सारा अध्ययन करेंगे। और आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जो है इसका लाभ सबको मिल सके, और सब लोग जैसे वीडियो हमारा अपलोड हो आपको उसका लाभ मिले। और जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।